Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed. In today's video, I'm going to talk about alcohol. इससे पहले हमने निकोटीन पे वीडियो बनाया है और इससे पहले जितने भी ड्रग्स होगी, आज हम इस वीडियो में अल्कोहल के बारे में पढ़ते हैं डिटेल जो टेक्स्ट बुक के मुताबिक है. सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं कि ये जो है ना हार्मफुल ड्रग है. हार्मफुल ड्रग है. ड्रग है यानी अमोंग जितनी भी फेसी के ट्रिक्स में ड्रग्स गिवन है, इनमें से ये सबसे ज्यादा हार्मफुल ड्रग है. और किसके बनस्बत? इसकी यूज के बनस्बत. इसके क्योंकि इनमें से एक प्रॉपर्टीज ये है कि ये जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल ये डायरेक्टली ब्लड में, ये कहां से, ये ब्लड है ना, ब्लड तो ब्लड में ही क्या होता है, ये डायरेक्टली ब्लड में डिजोल्व होता है. कहां से? फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक से. डाइजेस्टिव ट्रैक से. तो ये सबसे पहले डाइजेस्टिव ट्रैक में चले जाते हैं. डाइजेस्टिव ट्रैक से ये डायरेक्ट खून में डिजोल्व हो जाता है. तो ये आफ्टर ड्रिंक जब आप पी लेते हैं तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक में जाता है. ट्रैक से पहले कहां पे जाता है? खून में जाता है. अच्छा, हम इसकी मेडिकल यूज पढ़ लेते हैं कि इसकी मेडिकल यूज क्या है. नंबर फर्स्ट, हम देखें मेडिकल यूज अगर देख लेते हैं या यूजेस देख लेते हैं, सबसे पहला ये है कि अगर आप इसकी अमाउंट थोड़ा सा अमाउंट भी ले लेते हैं तो ये आपको करता है इंप्रूव करता है हेल्थ कंडीशन. क्या है? सबसे पहला ये क्या करता है? इंप्रूव करता है हेल्थ और जिसको हम कहते हैं कंडीशन. दूसरा बात ये है ना कि ये किसके तौर पर काम करता है? ये एक्सेलेंट सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है. सॉल्वेंट. क्योंकि इनमें से क्या होता है? डिजोल्व होता है ड्रग्स. इनमें से ड्रग डिजोल्व होता है. और जब ड्रग डिजोल्व होता है तो वो बॉडी में डिलीवर किया जाता है. वो कहां पे डिलीवर किया जाता है? कहां पे? बॉडी में. वो फिर बॉडी में क्या करते हैं? डिलीवर किया जाता है. इसके अलावा ये कंपोनेंट्स ऑफ मेनी मेडिसिन है. ये कंपोनेंट है मतलब पार्ट है किसका? कंपोनेंट है किसका? मेडिसिन का. और अगर मैं एक एग्जांपल दूंगा तो वो कौन सा है? बुक में गिवन है लाइक कफ. जो कप है, कौन सी सिरप जो होता है ना, इनमें ये किसका है? ये इसका हिस्सा है. इसके अलावा ये एंटीसेप्टिक के तौर पर भी काम करता है. एंटीसेप्टिक से क्या मुराद होता है कि इससे क्या करते हैं? वॉश करते हैं. कौन सा चीज? वॉन्ड्स को वॉश करते हैं, साफ करते हैं. जब कभी कौन सा दौरान? जब आप बैंडेजेस करते हैं. बैंडेजेस करते हैं. और प्लस अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन गिविंग इंजेक्शन वगैरह तो इसी दौरान ही हो सकता है. अब अगर हम बात करेंगे इसकी मिस यूज की बात करेंगे तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे इसकी मिस यूजेस क्या है. तो सबसे पहला मिस यूज की तरफ आते हैं. इसका पहला मिस यूज क्या है? सबसे पहला मिस यूज जो है ना कि अगर आप इसकी मिकदार ज्यादा इस्तेमाल करेंगे नॉट मेडिसिनल पर्पज के लिए तो फिर इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं ड्रग ऑफ अब्यूज. या इसको हम अब्यूज ऑफ द ड्रग भी कह सकते हैं कि आप हद से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. इवन अगर आप स्मॉल मिकदार इस्तेमाल करेंगे, स्मॉल अमाउंट यूज करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी इस्तेमाल करते हैं, क्वांटिटी इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये क्या करते हैं? सप्रेस करते हैं, दबा देता है. कौन सा चीज सप्रेस करता है देख लेते हैं. सप्रेस करता है कौन सा? दैट इज कॉल्ड सेलुलर एक्टिविटी इन ब्रेन. एक्टिविटी कहां पे? ब्रेन में सेलुलर एक्टिविटी को दबा देता है. इसके साथ साथ अगर आप इसकी डोज हाई करें, हायर डोज ले लें, अगर इसकी डोज ज्यादा कर लें तो ये आपको किल करेगा. डायरेक्टली क्या करता है? किल करता है. इसके साथ किलिंग के साथ एक डिप्रेसेंट के तौर पर भी यूज होते हैं. डिप्रेसेंट क्या है? डिप्रेसेंट को हम देखते हैं कि इससे क्या मुराद होता है. तो यहां से अगर हम देख लेते हैं कि ये जो डिप्रेसेंट है जिसको डिप्रेसेंट कहा जाता है, तो अगर हम यहां पे देख लेते हैं तो इसको अगर ये क्या करता है? ये रिड्यूस करता है. कौन सा चीज रिड्यूस करता है? दो चीजें जिसको, एक का नाम है सेरोटोनिन इफेक्ट, उसकी सेरोटोनिन है, और दूसरा है डोपामिन. डोपामिन है, इनकी इफेक्ट को रिड्यूस करता है. क्या करता है? इसी वजह से इसको नाम दिया है डिप्रेसेंट, यानी डिप्रेसेंट के तौर पर इसको यूज करता है. डिप्रेसेंट वर्ड भी यूज करता है. इसके अलावा अगर डिप्रेसेंट के अलावा हम देख लेते हैं तो आपको पता है जो ड्राइवर होता है, जो ड्राइविंग करता है, ड्राइविंग, तो ये ड्राइविंग अगर थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट भी एब्जॉर्ब करता है, स्मॉल अमाउंट या क्वांटिटी भी एब्जॉर्ब करता है, तो इनमें से
कौन से प्रॉब्लम आएगा, इसको इफेक्ट करता है कौन कौन सी चीज इसके ड्राइवर में इफेक्ट हो जाएगा। नंबर फर्स्ट, इसके रिएक्शन टाइम जो यानी इसको टाइम उसी तरह सही नजर नहीं आएगा। टाइम में इसमें साथ जजमेंट ऑफ स्पीड, उसको स्पीड में मसला होगा, जजमेंट ऑफ स्पीड जो है ना, तो जब इन दोनों में मसला आ जाएगा, आपको टाइम सही समझ नहीं आता है या स्पीड का पता नहीं लगता है, तो क्या होने वाला है, एक्सीडेंट होगा। और आप देखें कि एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट से ये नहीं है कि ये किल हो जाता है, इससे अलावा अदर पीपल जो है ना वो हर्ट हो सकते हैं, किल हो सकते हैं, हर्ट हो सकते हैं, अदर पीपल क्या हो सकता है, अदर पीपल जिसको हम कहते हैं हर्ट हो सकता है। अच्छा, ये भी बुक में गिवन डेटा है, हर्ट यानी अगर हम हर्ट देखते हैं तो हर्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो टू मच पीते हैं, क्या करते हैं, टू मच इनटेक करता है, तो टू मच अल्कोहल के इनटेक से क्या फायदा, क्या नुकसान होगा, इससे आपको लॉस होता है दो चीजें, एक का नाम है स्पीच का लॉस होना, दूसरा है मूवमेंट भी लॉस होता है, मूवमेंट भी क्या होता है, लॉस होते हैं। और अगर एक्सट्रीम ड्रंकनेस करते हैं कि बहुत ज्यादा पी लेते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रीम, अगर देख लेते हैं एक्सट्रीम ड्रंकनेस है, DRUNK ड्रंकनेस है, तो फिर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, फिर क्या होंगे, अगर मैं यहाँ पे देख लूंगा तो अनकॉन्शियस होंगे, बेहोश होंगे, अनकॉन्शियस, सी दैट इज कॉल्ड अनकॉन्शियस, इसको कहते हैं SCIOUS, अनकॉन्शियस के साथ साथ क्या होगा, डाइंग होंगे, डाइंग DY दैट इज कॉल्ड डाइंग होंगे, किससे, चोकिंग से, चोकिंग किसको कहते हैं, चोकिंग कहते हैं ऑन वॉमिटिंग कहते हैं, इसको कहते हैं वॉमिटिंग, और इसको हम कहते हैं अल्कोहल पॉइजनिंग भी कहा जाता है। एक तो इंडिपेंडेंट पेरिस्टाल्सिस की वजह से वोमिटिंग होता है, आप जो खुद ब खुद करते हैं उसको कहते हैं चोकिंग, तो ये हो जाता है, और इसको हम अल्कोहल पॉइजनिंग भी कहते हैं। अब इसके साथ एक और प्रॉब्लम भी है, कि अगर अल्कोहल एडिक्टिव है, जो आदी है, तो उसको कौन कौन से प्रॉब्लम होगा, वो भी देख लेते हैं यहाँ पे, जो एक आदी है तो उसको कौन कौन से प्रॉब्लम होगा, तो यहां से देख लेते हैं, एक एडिक्टिव है अल्कोहल एडिक्टिव है, एडिक्टिव है, तो इसको कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकेगा। नंबर फर्स्ट, लॉस ऑफ मेमोरी होगा, इसकी मेमोरी क्या होगा, मेमोरी जो है लॉस हो जाता है। और इसके अलावा डैमेज ऑफ लेवर क्या होगा, डैमेज ऑफ लेवर जो है ना हो जाएगा। इसके साथ एक और पॉइंट भी लिखा है, यानी इसको डैमेज के लिए एक वर्ड यूज किया था, दैट इज कॉल्ड सिरोसिस, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया है, सिरोसिस, और या प्लस हार्डनिंग ऑफ लेवर भी हो सकता है इसके लिए, तो इसे मुराद होता है डैमेज ऑफ द लेवर कह सकते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन आ जाता है जिसको हेलोसिनेशन कहा जाता है, इसको हम क्या नाम देंगे, हेलोसिनेशन का वर्ड यूज करते हैं। हेलोसिनेशन से क्या मुराद होता है, ये पीपल इमेजिन करते हैं कि दे आर इन अ मैजिकल वर्ल्ड, इनमें से लोग ऐसा फील करते हैं कि दे आर कौन से वर्ल्ड में है, मैजिकल वर्ल्ड में है। और इसको एवरीवन जो है वो किस तरह नजर आएगा, वो एनिमी नजर आएगा, वो कहते हैं कि ये मेरा क्या है, दुश्मन है, एनिमीज एवरीवेयर, इसको दुश्मन नजर आएगा। इस बीमारी को हम पर नाम देंगे पैरानोविया, इसको कहते हैं, इसको हम क्या नाम देंगे, पैरानोविया कह सकते हैं। इसके अलावा इनमें से कौन से होगा, डिप्रेशन के साथ साथ एनोक्सिटी होगा, दैट इज कॉल्ड एनोक्सिटी विल लीड टू द सुसाइड, ये फिर क्या करेगा, सुसाइड करेगा। और इसके अलावा ये क्या करता है, गट में डिस्ट्रॉय करता है कौन सा चीज, विटामिन को डिस्ट्रॉय करता है, कहां पे, गट में। और इसके अलावा ये अदर चीजें को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, फिर दिस लीड टू व्हाट, यानी मिनरल विटामिन डेफिशिएंसी, इट विल लीड टू विटामिन डेफिशिएंसीज, दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसीज, CINES, CIS deficiencies. तो ये था